बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। कश्यप पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। प्रवासी मजदूरों पर हमले का फेक वीडियो और खबर वायरल करने का आरोप है उन पर। मनीष कश्यप ने तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों पर हमले के दावे को सही साबित करने के लिए फेक यानी स्क्रिप्टेड वीडियो शेयर की थी। यूट्यूबर मनीष कश्यप पिछले कुछ सालों से लगातार विवादों में रहे हैं। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा आतंकी हमले के बाद बिहार की राजधानी पटना में कश्मीरी दुकानदारों पर हमला हुआ था। करीब 20 युवाओं ने लाठी डंडों से पटना के लहासा मार्केट में कश्मीरी दुकानदारों को पीटा था। हमलावरों ने दुकानदारों को कश्मीर लौटने की भी धमकी दी थी। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट की माने तो बिहार पुलिस ने इस मामले में मनीष कश्यप को गिरफ्तार किया था। कश्यप के तीन साथी नागेश कुमार, गौरव सिंह और चंदन सिंह को भी पटना के अलग अलग इलाकों से गिरफ्तार किया गया था। बाद में सीजीएम अदालत से जमानत मिलने के बाद सभी छूटे थे। मनीष कश्यप ने सोशल मीडिया के जरिए राष्ट्रवाद के नाम पर लोगों से किंग एडवर्ड की मूर्ति तोड़ने की भी अपील की थी। ये मूर्ति पश्चिमी चंपारण जिले में महारानी जानकी कुंवर अस्पताल परिसर में स्थित है। कश्यप की अपील के बाद मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया गया था। इसके बाद पश्चिमी चंपारण के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई थी। एफआईआर में मनीष कश्यप और अन्य 21 लोगों को आरोपी बनाया गया था। मनीष कश्यप को हिरासत में भी लिया गया था। मनीष कश्यप अपने धार्मिक कट्टरता से भरे ट्वीट्स की वजह से अक्सर चर्चा में रहते हैं। उनके मुस्लिम विरोधी ट्वीट्स की लंबी फहरिस्त है। वह भारत को हिंदुओं का देश बताते हैं, मुस्लिमों को जिहादियों की टोली कहते हैं। पत्रकार दीपक चौरसिया के एक ट्वीट के कमेंट में मनीष कश्यप ने लिखा था, मुल्लों हरामी देश छोड़ो। ये एक उदाहरण मात्र है, बाकी मनीष कश्यप लगातार इस तरह के ट्वीट करते रहे हैं जिन्हें आप सोशल साइटों पर देख सकते हैं। मनीष कश्यप का असली नाम है त्रिपुरारी तिवारी। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के डुमरी महरमा गांव में पैदा हुआ मनीष कश्यप सच तक न्यूज नाम से यूट्यूब चैनल चलाते हैं। सोशल मीडिया पर उनके हजारों फॉलोअर्स हैं। कश्यप के पिता का नाम उदित कुमार तिवारी है। कश्यप का दावा है कि इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। मनीष कश्यप ने 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में चनपटिया विधानसभा सीट से चुनाव भी लड़ा था। हालांकि इस चुनाव में भाजपा के उमाकांत सिंह ने कांग्रेस के अभिषेक राजन को 13,469 वोटों से हराया था। वहीं मनीष कश्यप को इस सीट से निर्दलीय चुनाव लड़े थे। उन्हें 9,239 लोगों ने वोट किया था। प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा को लेकर अफवाह फैलाने के मामले में तमिलनाडु ने कुल 11 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया है और 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। तमिलनाडु के DGP सी सिलेंद्र बाबू ने गुरुवार को कोयम्बटूर में कई इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ बैठक करते हुए ये जानकारी दी। तमिलनाडु पुलिस की विशेष टीमें अभी भी दिल्ली, भोपाल, बिहार और पटना सहित कई जगहों पर डेरा डाले हुए हैं, जिसकी वजह से मनीष कश्यप लगातार डिप्टी CM तेजस्वी यादव को चैलेंज कर रहा है और उन पर शोषण का आरोप लगा रहा है। हालांकि तमिलनाडु पुलिस और बिहार पुलिस मनीष कश्यप के साथ क्या व्यवहार करती है आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मैं हूं मोहम्मद नसीम। देखते रहिए UP टाइम्स न्यूज़। शुक्रिया।